हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्नियल अल्सर के बारे में। बताएंगे आपको कि कॉर्नियल अल्सर क्या है, ये किन कारणों से होता है, कॉर्नियल अल्सर हो जाने पे हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और कॉर्नियल अल्सर हो जाने पर कौन कौन सी जो है होम्योपैथिक दवाएँ कारगर हैं, इन सारी चीज़ों का चर्चा जो हम आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कॉर्नियल अल्सर। दोस्तों, आंख के जो है सामने वाले हिस्से जो है टिश्यूज की एक परत होती है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया की मदद से ही जो है आंख के अंदर जो है हमारे जो है रोशनी जा पाती है। दोस्तों, आंख से निकलने वाले जो है आंसू जो है कॉर्निया को बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से जो है बचाते हैं। कॉर्नियल अल्सर एक घाव है जो हमारे कॉर्निया पर बनता है। आमतौर पर जो है इन्फेक्शन के कारण जो है यह समस्या होती है। आंख में मामूली सी चोट, खरोच के कारण जो है लंबे समय तक जो है अगर हम कॉन्टेक्ट लेंस पहन रहे हैं तो आंखों में इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। अब दोस्तों, चर्चा करते हैं कॉर्नियल अल्सर के क्या लक्षण हैं। दोस्तों, कॉर्नियल अल्सर का पता लगने पर आंख में जो है कुछ संक्रमण जैसा महसूस होता है। इन्फेक्शन में जो है जो हमको समस्या दिखाई देती है उसमें जो है सर्वप्रथम हमको आंखों में खुजली महसूस होगी, आंखों से जो है पानी आएगा, इसके अलावा आंखों में मवाद जैसा जो है दिखाई देगा और सफ़ेद सफ़ेद कुछ आंखों में किनारे में है जो है दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आंखों में जलन चुभन टाइप का जो है महसूस होगा, आंखें जो है हमारी लाल हो जाती हैं, खास करके आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा है वो लाल या गुलाबी रंग का हो जाता है, रोशनी के प्रति जो है हम काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं, प्रकाश की तरफ देखने पे जो है हम ठीक से देख नहीं पाते हैं, आंखों में जो है तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे आंखों में सूजन, आंखों में दर्द, आंख से अत्यधिक पानी आना, धुंधला दिखाई देना, कॉर्निया के सफ़ेद हिस्से में जो है कई बार जो है सफ़ेद दाग दिखाई देना शुरू हो जाना, हमारे जो है पलकों में सूजन हो जाना, इसके अलावा आंखों से कीचड़ आना, रोशनी के प्रति अति संवेदनशील हो जाना और आंखों में ऐसा महसूस होता है कि कुछ चला गया है या कोई बालू का कण पड़ गया है और आंखों में बहुत ही क्रिकरी जैसा महसूस होती है, चुभन टाइप का महसूस होता है। तो दोस्तों, कॉर्नियल अल्सर में ये सारे लक्षण जो है हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कॉर्नियल अल्सर के सारे लक्षण जो है काफ़ी गंभीर होते हैं। अगर इसका समय से इलाज नहीं कराया गया तो अंधापन की स्थिति भी जो है बन सकती है। इसलिए दोस्तों, अपने आँखों को जो है सुरक्षित रखने के लिए, अंधापन से बचाने के लिए, जैसे ही हमको ये लक्षण दिखाई दें, कॉर्निया अल्सर के लक्षण हमको जैसे ही मिलना शुरू हो, इसका जो है हमको तुरंत जो है इलाज जो है कराना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे सारे लक्षण बता करके इसका जो है उचित इलाज जो है करा लेना चाहिए। अब दोस्तों, आता है कॉर्निया अल्सर के क्या कारण। दोस्तों, कॉर्निया अल्सर जो है ज़्यादातर मामले जो है इन्फेक्शन के कारण होते हैं और यह इन्फेक्शन जो है जनरली जो है बैक्टीरिया के वजह से, वायरस के वजह से और फंगस के वजह से जो है देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन खास करके जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, इनको जो है खास करके ऐसे लोगों को आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है हो जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कॉर्नियल अल्सर जो है होने की संभावना हो जाती है। अगला दोस्तों जो कारण आता है कॉर्नियल अल्सर का होता है वायरल इन्फेक्शन। दोस्तों, आँख में वायरल इन्फेक्शन का होना भी जो है कॉर्नियल अल्सर के संभावित जो है कारणों में माना जाता है और इसमें जो है कुछ प्रकार के वायरस जैसे हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस जो है और वेरिजुला जो है वायरस जो है खास करके मेन कारण होते हैं। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस जो है और ये कोल्ड सोर्स पैदा करने वाले वायरस होते हैं और वेरिसिला वायरस जो है खास करके जो चिकन पॉक्स और सिंगल्स जैसी बीमारियां जो है पैदा करते हैं, तो इनके वजह से जो है आँखों में हमारे जो है कॉर्निया में अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
अब दोस्तों आता है अगला कारण जो इसमें है कॉर्निया अल्सर के, वो है फंगस इन्फेक्शन। दोस्तों कॉर्निया अल्सर जो है फंगस के वजह से भी होता है। अगर हमारे आंखों में जो है किसी वजह से फंगस का संक्रमण हो जाए तो जो है कॉर्निया अल्सर होने की चांसेज रहती है। आंखों में फंगस का इन्फेक्शन आमतौर पर जो है किसी बाहरी चीज से जो है आंखों में चोट लगने के कारण होती है, खास करके जैसे पेड़ों की जो है टहनी है या शाखाएं हैं या उनके ब्रांचेस से आंखों में किसी प्रकार का चोट आ जाए, खरोच आ जाए, तो फिर जो है वहाँ जो है फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि चोट लगने के बाद वहाँ अगर जो है किसी प्रकार संक्रमण हो गया और उसको हमने ठीक से साफ नहीं किया और बिना चश्मा पहने जो है और रह गए हम और आंखों की सफाई नहीं किया तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं। कई बार देखा गया है कि दोस्तों फंगल इन्फेक्शन जो है कॉन्टैक्ट जो है लेंस लगाने की वजह से भी जो है हो जाता है। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनको भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस जब भी लगाइए, रात को सोते समय उसको निकाल दें और उसका साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। अब दोस्तों आता है कि कॉर्निया अल्सर हो जाने पर हमको जो है क्या करना चाहिए, तीन चार चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कॉर्निया अल्सर जो है ना हो इसके लिए जो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं उसमें सर्वप्रथम हमने आंखों की सुरक्षा करें। हम जब भी बाहर जो है निकलें धूल धुआं जैसे वातावरण में आंखों में जो है चश्मा पहन के निकलें, धूप से अपनी आंखों को बचाएं। अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो जो है हाथों को साफ करके ये कॉन्टैक्ट लेंस पहने और रात को सोते समय कॉन्टैक्ट लेंस जो है निकाल दें। आँखों में जो है किसी प्रकार इन्फेक्शन अगर जो है हो रहा है, आँखों में जलन खुजली टाइप की महसूस हो रही है तो होम्योपैथ में जो अच्छे अच्छे ड्रॉप्स आते हैं जिसमें यूफ्रेशिया ड्रॉप है, सिनेरिया मार्टिमाई ड्रॉप्स है, इनको जो है डालें। और कुछ हमारी होम्योपैथिक दवाएं हैं अगर इनका हम समय पर उपयोग करें और आँखों में किसी प्रकार इन्फेक्शन महसूस होने पर उन दवाओं का यूज़ करें तो कॉर्निया अल्सर होने की संभावना से जो है रोका जा सकता है और कॉर्निया अल्सर हो गया है तो उसको जो है ठीक भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आगे हम ये चर्चा करेंगे कौन कौन सी हमारी जो है होम्योपैथिक दवा कॉर्निया अल्सर हो जाने पर काम आती है, उनका उपयोग करके हम अपनी आँखों की रक्षा कर सकते हैं और कॉर्निया अल्सर को जो है ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं होम्योपैथिक दवाएँ जो कॉर्निया अल्सर में काम आती हैं। दोस्तों कॉर्निया अल्सर में होम्योपैथिक दवाओं का भी बहुत अच्छा जो है रोल है, खास करके अगर हमको लक्षण ऐसा दिखाई देता है कि हमारे आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और आंखों के पानी में जलन है तो ऐसे समय में यूफ्रेशिया जो है एक दवा है बहुत अच्छा काम करती है। यूफ्रेशिया 30 पावर लेकर के 5-5 वो 3 बार जो है उपयोग किया जाए और यूफ्रेशिया आई ड्रॉप आती है SBL कंपनी की, आप उसको जो है 2-3 बूंद अपने आँखों में डालें तो आँखों में जो जलन हो रही है, आँखों से जो पानी आ रहा है उसमें काफ़ी राहत मिलता है। दोस्तों अगली दवा दोस्तों इसमें जो आती है वो है अर्जेंटम नाइटकम। अगर हमारे आँख का सफ़ेद हिस्सा लाल हो गया है और जो है उसमें काफ़ी लालिमा आ गई है तो ऐसे समय में अर्जेंटम नाइटकम का रोल आ जाता है। अर्जेंटम नाइटकम 30 पावर लेकर के 5-5 बूंद अगर 3 बार उपयोग किया जाए तो जो है ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा दोस्तों कॉर्निया अल्सर में जो दवाएँ उपयोग आती हैं उसमें जो है एपिसमेल, रशटॉक्स, बॉक्सॉल, ये दवाएं जो है खास करके कॉर्निया अल्सर में काम आती हैं। अगर हमारे आंखों से कीचड़ आ रहा है, पश आ रहा है तो ऐसे समय में पल्सेटिला 30, ग्रेफाइटिस 30 जो है काम आती है और लक्षण के अनुसार अगर इनका उपयोग किया जाए तो जो है समस्या जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कॉर्निया अल्सर में दोस्तों सल्फर का भी काफ़ी अच्छा उपयोग है, उसके लक्षण मिलने पर 5-5 बूंद अगर सुबह दोपहर शाम के टाइम अगर पीने को दिया जाए तो ये काफ़ी अच्छा काम। शैलिशिया कॉर्निया अल्सर में काफ़ी अच्छा वर्क करती है। हिपरसल्फ 30 कॉर्निया अल्सर में काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये सारी दवाएं जो है जो कॉर्निया अल्सर में काम आती हैं और इनका उपयोग लक्षण के अनुसार अगर हम करते हैं तो हमारा जो है कॉर्निया अल्सर ठीक हो जाता है। दोस्तों कुछ जो है दवाएँ ऐसी हैं जो चोट लगने पर हमारे काम आती है, खास करके अगर कॉर्निया अल्सर चोट लगने की वजह से हो रही है तो उसमें काम आती है। उसमें जो पहली दवा है दोस्तों अर्निका। आँखों में अगर किसी प्रकार का जो है इंजरी हो जाए
चोट लग जाए। तो अर्निका का बहुत अच्छा रोल है, अर्निका 30 पावर में लेकर के 5-5 सुबह दोपहर पर शाम 3 टाइम दे, तो चोट की वजह से जो है आँखों में अगर किसी प्रकार समस्या हो रही है, कॉर्निया अल्सर और डेवलप कर रहा है तो ठीक हो जाता है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है कैलेंडुला। अगर किसी चीज़ के रगड़ के वजह से या जो है पेड़ की टहनी लगने की वजह से या उस पेड़ के किसी पार्ट से चोट लगने की वजह से आँखों में चोट लग गई हो और कॉर्निया अल्सर होने की संभावना है, तो ऐसे में कैलेंडुला का उपयोग करते हैं। कैलेंडुला 30 पावर लेकर के 5-5 दिन सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है उपयोग करेंगे तो जल्द ही जो है ये समस्या ठीक हो जाती है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है कोनियम। कोनियम जो है खास करके ऐसी समस्याओं में काफ़ी अच्छा वर्क करता है, खास करके जब हमारे आँखों में जो है कैटरेक्ट डेवलप करने लगे, मोतियाबिंद डेवलप करने लगे तो कोनियम का रोल आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों कैल्केरिया शेल्फ भी कॉर्निया अल्सर में काफ़ी अच्छा काम करती है। ऐसा महसूस हो कि हमारे आँखों में कुछ बाहर से कोई चीज़ पड़ गई है और आँखों में क्रिक्री महसूस हो रही है, जो है हमारे आँखों के सॉफ्ट टिश्यूज के आसपास जो है कोई बाहरी चीज़ आकर के जम गई है, गड़ रही है, इस टाइप को महसूस हो तो कैल्केरिया सल्फ का उपयोग करते हैं। कैल्केरिया सल्फ 30 पावर लेकर के 5-5 में 3 बार उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आँखों की चोट में खास करके लीडम पाल स्टेपिस गेरिया का बहुत अच्छा जो है रोल है। लक्षण के अनुसार अगर इसका उपयोग हम करते हैं तो चोट के बाद कॉर्निया अल्सर जो डेवलप करता है वो जो है ठीक हो जाता है और इस समस्या से हमको निजात मिल जाती है। दोस्तों अगर हमारे जो है आँखों में किसी जो है चीज़ से अगर चोट लग जाए तो ऐसे समय में सिम्फाइटम बहुत अच्छा वर्क करता है। किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से ट्रॉमेटिक चोट लग जाए तो जो है सिम्फाइटम बहुत अच्छा वर्क करेगा। सिम्फाइटम 30 पावर लेकर के 5-5 में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उपयोग किया जाए तो जल्द ही जो है हमारे आँख की समस्या ठीक हो जाती है। आँख में चोट की वजह से, इंजरी की वजह से जो समस्याएँ डेवलप कर रही हैं वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों कॉर्निया अल्सर में जो दवाएँ काम आती हैं उसमें मेन दवाएँ जो है उसमें यूफ्रेशिया हो गया, कैलेंडुला हो गया, अर्निका हो गया, इसके अलावा एपिसमेल हो गया, मॉक्सॉल हो गया, ग्रेफाइटिस हो गया, अर्जेंटम नाइटकम हो गया, हिपरसल्फ हो गया, साइलिशिया हो गया, तो ये सारे दवाएँ जो है हमारे जो है आँख की समस्या में कॉर्निया अल्सर में वर्क करती हैं। बस आपको ज़रूरत है लक्षण के अनुसार उनका उपयोग करने की और अपने जो है डॉक्टर से मिलने की, ताकि जो है डॉक्टर आपकी समस्या को देख करके आपके लक्षण को पहचान कर आपको उचित दवा सेलेक्ट कर सके और आपको इस समस्या से मुक्ति दिला सके। दोस्तों ये हो गया आज की वीडियो में कॉर्निया अल्सर के बारे में बात और उसकी होम्योपैथिक दवा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाएं तो इसकी सूचना अधिकाधिक आप तक पहुँच सके, आपको रोग के बारे में, होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानने को मिले। दोस्तों इसी साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय होम्योपैथी।